नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसएसबी के गुप्त सूचना के आधार पर बेलहर पुलिस और एसएसबी सोलवी वाहिनी की डेल्टा कंपनी बेलहर की संयुक्त छापेमारी के दौरान नक्सल प्रभावित बेलहर थाना अंतर्गत बगदशवा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर विरमा एवं अमकोलिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली पर्चा, बैनर, वर्दी पोच आदि बरामद किया गया है। एसएसपी अभियान बांका और एसएसबी डेल्टा कंपनी बेलहर के असिस्टेंट कमांडेंट अंजन सरकार के नेतृत्व में की गई छापेमारी अभियान के तहत नक्सली सामान बरामद किया गया है। छापेमारी अभियान में एसएसबी इंस्पेक्टर सिकंदर कुमार, बेलहर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, एसएसबी के एसआई प्रीतम सिंह परगेटा, एएसआई कुलवीर सिंह, हवलदार राकेश कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, अरुण कुमार राय समेत काफी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। 5/2/2021 को सुबह में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बेलहर थाना के बगदसवा के जंगली इलाका में नक्सलियों द्वारा कुछ सामान को छुपा करके रखा गया है। इस सूचना के आलोक में एसपी बांका के निर्देश पर बगदसवा के इलाके में नक्सल अभियान चलाया गया। उस जंगली इलाका के छानबीन के क्रम में एक जगह पर कुछ सस्पेक्टेड आइटम बरामद किया गया, जो 3 डब्बों में था, बाल्टी में था। जब उसको खोल करके देखा गया तो उसके अंदर पावर जेल एक्सप्लोसिव रॉड, जिसकी संख्या 28 है, वेसलीन 24 पीस, सिंथेटिक गम 8 पीस, पैंट 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का पर्चा 6 पैड, भागलपुर प्रमंडल निर्माण जोनल कमेटी का लेटर पैड जो 2 पैड है पूरा कंप्लीट, राइफल ढोने का कपड़े का बना हुआ सामान, 1 नक्सली बैनर और 3 बाल्टी प्राप्त हुआ है। बांका जिले के सुइया भेलवा मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुइया भेलवा मुख्य सड़क मार्ग पर बडवा नदी पुल के निकट ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़फेरा गांव निवासी लक्ष्मण यादव के इकलौते 28 वर्षीय बेटे सुशील यादव के रूप में हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार राय और अजय कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार सुशील यादव बाइक से अपने घर भेलवा गांव जा रहा था, तभी बडवा नदी पुल के तीखे मोड़ पर उसकी बाइक को सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से बाइक चालक सुशील यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की खबर सुन परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कासपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में पति पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी पारो तांती एवं इनकी पत्नी बुधो देवी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी पारो तांती ने बताया कि गांव में हमारी पुश्तैनी 16 डिसमल जमीन है, जिस पर 2 गोतियां बराबर का हिस्सेदार है। दोनों गोतिया में बंटवारा भी हो चुकी है। एक गोतिया अपनी जमीन की बिक्री कर चुके हैं और जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर हमारे गोतिया चंद्र तांती, महेंद्र तांती, राघो तांती, मिथुन तांती, सुगी देवी, मुकेश तांती समेत अन्य लोग लाठी डंडा से लैश होकर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। सो सुनकर जब मेरी पत्नी बीच बचाव करने आई तो लोगों ने उन्हें भी पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ 6 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले चक्का जाम को ऐतिहासिक होने की बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा तुरंत ही नए कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे सरकारी संस्थानों को, चाहे रेलवे हो, हवाई सेवा हो, पेट्रोलियम हो, सबको निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी है। पता नहीं क्यों इंप्रेस्ड है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरा निजीकरण में लगे हुए हैं, जो कि देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। गुरुवार की अहले सुबह खेसर रामपुर मुख्य सड़क पर पड़ाव चक के पास पालू लदा ट्रेलर दुर्घटना होने से बच गया।
चालक ट्रैक्टर लेकर फरार होने में सफल हो गया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके बावजूद ट्रैक्टर मालिक दूसरे ट्रेलर में बालू लाद करके भागने में भी सफल हुआ। मात्र 2 घंटे के भीतर सड़क पर कुछ नहीं मिला। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रेलर सातपुर पंचायत अंतर्गत सेमपुर गांव के एक निवासी का था। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो सातपुर, तेलिया मोड़, सेमपुर, कठरा आदि गांव के करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर कोंजी डैम के नीचे बिलासी नदी से बालू का अवैध उठाव करते हैं। इतना ही नहीं, झरना पहाड़ के रास्ते से प्रतिदिन 1.5 दर्जन ट्रैक्टर अवैध बालू बिक्री प्रखंड क्षेत्र में करते हैं, जिन पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं रह गया। वे बताते हैं कि इसकी शिकायत जिला के सक्षम पदाधिकारियों को भी कई बार दी गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात तो दूर, उनकी निरंकुशता बढ़ अवश्य जाती है। स्थानीय किसान भी इन बालू माफियाओं की मनमानी से परेशान हैं। बालू के अवैध खनन से नदी की सतह नीचे और खेत की सतह ऊपर होते जा रही है, जिससे डैम में पानी रहने के बावजूद अपनी जमीन की सिंचाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की माने कि अगर नदी के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो प्रखंड कार्यालय के समक्ष आंदोलन करना उनकी बाध्यता होगी। इस बाबत थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने भी काफी कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्र में बालू के अवैध धंधेबाजों पर नकेल कसने का भरोसा दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।